ब्लॉग में आज हम जा रहे हैं डुंगरी मेले को, जो कि आपको दिखाएंगे हम। शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी थोड़ी, बाकी अभी हम घर से निकल गए हैं। व्यू आप देख सकते हैं क्या ये मस्त हरियाली आ चुकी है। तो चलो इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट करता हूँ। हम कुलंग पहुँच गए, यहाँ पर देखिए रश देखिए कितना सारा, और यहाँ कुलंग में बहुत सारी ज़िपलाइनें भी निकल गई है, बहुत ही छोटी छोटी ज़िपलाइन, हर जगह ज़िपलाइन ही ज़िपलाइन इस जगह। तो मैं अभी मनाली पहुँच गया हूँ, आगे का व्यू देखिए कुछ ऐसा मनाली का। तो अभी जा रहे हैं हम डुंगरी को, चलो सीधा मिलते हैं डुंगरी में। हम हडिम्बा माता के टेम्पल को वहाँ जा रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी भीड़ है हडिम्बा माता टेम्पल को, और यहाँ ऊपर दिखिए दुकानें थोड़ी पूरी, यहाँ पर भी है दुकानें जो कि मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में दिखाया था। बाकी देखिए इतने बड़े बड़े पेड़, चलो दर्शन करके आते हैं हडिम्बा माता के। हडिम्बा माता टेम्पल भीड़ देख सकते हैं गाइस कितनी सारी है हडिम्बा माता टेम्पल को, वहाँ बहुत सारी भीड़। अभी बारिश पड़ रही है तो मंदिर आ गए हैं। बाकी देखिए हमने दर्शन कर लिया है हडिम्बा माता के, अभी मामा का वेट कर रहे हैं हम। चलो जा रहे हैं लक आजमाने, इस गेम में लक आजमाने जा रहे हैं हम। देखिए इस गेम में हम लक आजमाएंगे, मम्मी मेरी वीडियो बनाएगी। चलो वीडियो हेलो जीत गए भाई, 100 50 भुट्टा खा रहे हैं, मामी खिला रही है हमारे को भुट्टा। भैया तो चलो भुट्टा खाते हैं। चलो भुट्टा खाते हैं। चार भी एक बुक्कड़ देख सकते हैं। जूते 80,000 के जूते, 80,000 के, 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा।
गए हम डोर डाल के वहां से, तो अभी जा रहे हैं हम लंच करने। अभी फिलहाल के लिए अभी गाड़ी कहाँ जा रहे हैं पार्किंग में रखे यहाँ पर गाड़ी मामा ने, फिर जाएंगे लंच करने, उसको आ जाएंगे सीधा घर। चलो तो अभी हम जा रहे हैं नए रूट से मनाली गांव की तरफ से, ये नया ही रास्ता, नया तो नहीं पुराना ही होगा हमारे लिए नया, लेकिन हम इस रोड से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सभी के सभी। डूंगरी धार आ गया है लंच करने यहाँ पर, चलो कमी पहुंच गया हूँ। अभी का मौसम देखिए, बादल सारे हट गए, तो कुछ ऐसा है मनाली के मौसम। तो अभी कल से रोहतांग पास भी खुल रहा है, तो चलो कोशिश करेंगे कि हम आपको रोहतांग पास दिखाएं। फिलहाल के लिए ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। आपका धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सेफ रहना घर पे।